वेलकम बैक टू असलम क्लासेस। असलम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है आपको, स्क्वायर का एरिया निकालना है, ठीक है ना। जहां आपको क्या दे रखा है, देखिए एक सर्कल दे रखा है ना, और उसके बाहर जो दे रखा है वो एक स्क्वायर दे रखा है, यानी कि स्क्वायर के अंदर सर्कल दे रखा है। अब देखिए, यहां पर जो ये जो सर्कल है ना, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 5 है, यानी कि 5 है। अब रेडियस आपको 5 पता लग गई है ना। अब मुझे बताइए, अगर ये रेडियस है तो क्या ये रेडियस नहीं है, ये भी रेडियस है ना। तो जब ये 5 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, है ना। अब हमें निकालना है स्क्वायर की एक साइड मिल जाए कैसे भी। तो देखिए, 5 एंड 5 कितने हो गए, 10 हो गए ना। तो एक साइड कितनी हो गई मिलके, 10 हो गई। अब आपको जब ये 10 है, अगर ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है तो ये 10 है, तो ये भी 10 होगी, तो ये भी 10 होगा, और ये भी क्या होगा, 10 होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या है। तो मैं यही लिख देता हूं ना, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर जो कि होता है साइड का स्क्वायर, क्या होता है, साइड का स्क्वायर तो होता है। अब देखिए, साइड जो आपको कितनी मिली है वो 10 है, तो अब 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलो 100 हो जाएगा ना। तो यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद ये भी दे रखे हैं, अब आपको पता होना चाहिए, यहीं से आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे, कि स्क्वायर में पाई तो होता ही नहीं है, स्क्वायर में पाई तो होता ही नहीं है, तो ये तो नॉट आंसर है, तो ये वाला करेक्ट है, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, शेयर।